दोस्तों, मौसम से हमें अक्सर शिकायत रहती है। धरती पर मौसम की चरम स्थितियां बढ़ने के कारण ये शिकायतें स्वाभाविक भी लगती हैं। लेकिन क्या हो अगर हम वीकेंड की छुट्टी बिताने ऐसी जगह चले जाएं जहां 5,400 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलती हो, या जहां तापमान इतना ज़्यादा हो कि जस्ता भी पिघल जाए। मौसम अच्छा हो या बुरा, यह सिर्फ हमारे ग्रह की विशेषता नहीं है, दूसरे ग्रहों का भी अपना मौसम है और अंतरिक्ष में मौसम कई ज़्यादा भयानक है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बडी आउटलुक। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को धरती के अलावा अन्य ग्रहों पर मौसम की अजीब दुनिया के बारे में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बगल में दिए गए नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने पड़ोसी ग्रह शुक्र से, जहाँ रहना सौरमंडल के दूसरे किसी भी ग्रह से मुश्किल है। शुक्र को बाइबल में नरक कहा गया है। शुक्र पर वायुमंडल की मोटी परत है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता है। इस ग्रह पर वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी के मुकाबले 90 गुना ज़्यादा है। कार्बन डाइऑक्साइड से भरा वायुमंडल सूरज की गर्मी को फंसा लेता है, जिससे ग्रह पर तापमान 460 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है। इसीलिए अगर आपने शुक्र ग्रह पर पैर रखा तो कुछ ही सेकंड में आप उबलने लगेंगे। अगर यह पर्याप्त तकलीफ दे नहीं लगता तो यहाँ की बारिश के बारे में सुनकर ज़रूर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शुक्र ग्रह पर सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है, जो अंतरिक्ष में घूमने निकले किसी भी सैलानी की त्वचा को बुरी तरह जला सकती है। शुक्र की सतह पर अत्यधिक तापमान के कारण एसिड रेन की बूंदें सतह तक पहुंचने से पहले ही भाप बनकर उड़ जाती हैं। हैरानी की बात है कि शुक्र ग्रह पर बर्फ भी है, लेकिन उससे आप गोले बनाकर नहीं खेल सकते। ये शुक्र के वायुमंडल में भाप बनकर उड़ी धातुओं के ठंडे होने से बने अवशेष हैं। अब बात करते हैं उन ग्रहों के बारे में जहां होती है हीरे की बारिश। जी हां, सौरमंडल के दूसरे छोर पर गैसों से बने दो विशाल ग्रह हैं, यूरेनस और नेपच्यून। नेपच्यून धरती से सबसे ज़्यादा दूर है, जहां तापमान 0 से 200 डिग्री सेल्सियस नीचे रहता है। यहां जमी हुई मीथेन के बादल उड़ते हैं और हवाओं की रफ्तार सौरमंडल के दूसरे किसी भी ग्रह से ज़्यादा होती है। नेपच्यून की सतह करीब करीब पूरी तरह समतल है। यहां मीथेन की सुपरसोनिक हवाओं को रोकने के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए उनकी रफ्तार 1500 मील प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। नेपच्यून के वायुमंडल में संघनित कार्बन होने के कारण वहां जाने पर आपके ऊपर हीरे की बारिश भी हो सकती है, लेकिन आपको गिरते हुए बेशकीमती पत्थरों से चोटिल हो जाने की चिंता नहीं करनी होगी, क्योंकि ठंड के कारण आप पहले ही जम चुके होंगे। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि इस ब्रह्मांड में हमारी धरती जैसी जगह भी हो सकती है? टॉम लॉडेन वार्विक यूनिवर्सिटी में शोध कर रहे हैं। उनकी विशेषज्ञता अंतरिक्ष के मौसम विज्ञानी के रूप में है। दूसरे ग्रहों पर वायुमंडल की स्थितियों के बारे में शोध करना ही उनका काम है। वह कहते हैं, धरती के अलावा इस सौर मंडल में अगर कोई जगह रहने लायक है तो वह है शुक्र ग्रह का ऊपरी वायुमंडल। सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों के ऊपर एक जगह ऐसी है जहां का दबाव लगभग हमारे ग्रह जितना ही है। आप उस वातावरण में सांस नहीं ले पाएंगे, लेकिन आप किसी बड़े हॉट एयर बलून या धरती की हवा से भरी किसी दूसरी चीज़ में होने की कल्पना कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑक्सीजन मास्क हो तो आप टी शर्ट और शॉर्ट्स में भी आराम से रह सकते हैं। इस जगह का तापमान भी धरती पर कमरे के अंदर के तापमान के बराबर है,
यानी अगर आप इस हॉट एयर बैलून में ऑक्सीजन मास्क लगाकर बैठे हैं तो बिना किसी खतरे के शुक्र ग्रह का जायज़ा ले सकते हैं। लॉडेन की विशेषज्ञता सौरमंडल से बाहर के ग्रहों के बारे में है, खासकर उस खगोलीय पिंड के बारे में जिसका नाम HD189733b है। अब बात करते हैं सबसे भयंकर मौसम की। पृथ्वी से 63 प्रकाश वर्ष दूर गहरे नीले रंग के इस आकाशीय पिंड पर मौसम का सबसे भीषण रूप दिखता है। देखने में यह ग्रह खूबसूरत लग सकता है, लेकिन इसका मौसम बहुत ही भयानक है। यहाँ कभी कभी 2 किलोमीटर प्रति सेकेंड या 5000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं। धरती पर सबसे तेज तूफान 253 मील प्रति घंटे का मापा गया है। यह ग्रह अपने तारे से हमारे मुकाबले 20 गुना ज़्यादा नज़दीक है, इसीलिए यह धरती से बहुत गर्म है। इस ग्रह के वायुमंडल का तापमान 1600 डिग्री सेल्सियस है, जो पिघले हुए लावा का तापमान होता है। लॉडेन कहते हैं हमारे ग्रह के पत्थर वहां पिघलकर तरल या गैस में बदल जाएंगे। इस ग्रह पर पिघले हुए कांच की बारिश भी होती है, क्योंकि हवा के साथ उड़ी रेत यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड गर्मी से पिघलकर कांच में बदल जाती है। लॉडेन का कहना है कि धरती के आकार और द्रव्यमान के ग्रह भी हैं जो छोटे एम ड्वार्फ और रेड ड्वार्फ तारे की परिक्रमा करते हैं। एम ड्वार्फ या रेड ड्वार्फ तारे सबसे छोटे और ठंडे तारे हैं और सबसे आम भी, लेकिन उनके ग्रह रहने लायक हैं कि नहीं यह अलग सवाल है। ग्रहों पर गर्मी हो और उसकी सतह पर पानी तरल अवस्था में रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि वह अपने तारे के करीब रहे। करीब रहने पर वह ग्रह अपने तारे से उसी तरह जुड़ जाता है जैसे चांद धरती के साथ जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि ग्रह के एक हिस्से में दिन रहेगा और दूसरे हिस्से में हमेशा रात रहेगी। लॉडेन कहते हैं जब आप कंप्यूटर मॉडल बनाते हैं तो आप देखते हैं कि दिन वाले हिस्से से हरिकेन जैसी चीज़ें रात वाले हिस्से में जा रही हैं। दिन वाले हिस्से का तरल पानी गर्मी से उड़कर बादल बन जाएगा, हवा उसे बहाकर रात वाले हिस्से में ले जाएगी और वहाँ ठंड के कारण बर्फबारी होगी। आपको ग्रह के एक तरफ रेगिस्तान मिलेगा और दूसरी तरफ आर्कटिक। वास्तव में अपने घर यानी अपनी धरती जैसी कोई जगह नहीं है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का मेरा ये वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। टिल देन डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।